आप देख रहे हैं एसकेके न्यूज। रामपुर के लाड़पुर बीवी गांव में गांव के ही तीन युवकों ने एक लड़की को अकेले पाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए, जिसके बाद पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं पीड़िता को भी मेडिकल के लिए जिला अस्पताल में भिजवाया गया, साथ ही पुलिस तीसरे आरोपी को भी तलाश कर रही है। जी, आज थाना टाणा क्षेत्र में एक गैंग रेप की वारदात की पुष्टि हुई है। उसकी FIR थाना टाणा पर लिख दी गई है और दो आरोपी जो हैं उसमें गिरफ्तार कर लिए गए हैं पुलिस द्वारा। एक आरोपी अभी फरार है जिसकी तलाश की जा रही है और पीड़िता का मेडिकल करा के अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सिद्धार्थनगर के भनवापुर में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत स्वीकृति पत्र वितरण समारोह में लाभार्थियों को इटावा के विधायक डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने प्रमाण पत्र वितरित किए। इस मौके पर विधायक ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा के सुधार में ग्राम प्रधानों को सहयोग देना चाहिए, साथ ही गाँव में साफ सफाई को लेकर सफाई कर्मचारियों से जिम्मेदारी से कार्य भी कराएं। कुशीनगर में रोजगार मेले का आयोजन कर बेरोजगार युवकों से नौकरी देने के नाम पर मजाक किया गया। बता दें कि रोजगार मेले का उद्घाटन पूर्व कैबिनेट मंत्री कलराज मिश्र ने किया। वहीं इस रोजगार मेले में बुलाई गई 40 कंपनियों में से केवल 6 कंपनी ही मौके पर आई, जिसके बाद मेले में आए युवकों ने हंगामा शुरू कर दिया। युवकों का आरोप था कि कंपनियों के कर्मचारियों द्वारा लिए गए इंटरव्यू में किसी को कोई भी ठोस जवाब नहीं दिया गया। मथुरा के वृंदावन में शरद पूर्णिमा पर्व पर आस्था का सैलाब उमड़ा, तो वहीं सेवायत गोस्वामियों द्वारा मंदिरों को सफेद फूलों और गुब्बारों से सजाया गया था। साथ ही इस मौके पर प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में सेवायत गोस्वामी ने ठाकुर जी को श्वेत वस्त्र धारण कराकर चांदी की बांसुरी धारण कराई, जिसके दर्शनों के लिए देश विदेश से आए श्रद्धालुओं में होड़सी लगी रही। तो दूसरी तरफ नगर के कई आश्रमों में महारास लीला का भी आयोजन किया गया। बुलंदशहर में एक भाई ने अपने दूसरे भाई पर तेजाब डालकर उसकी हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि बड़े भाई द्वारा अपनी पत्नी की पिटाई करने का जब छोटे भाई और उसकी पत्नी ने विरोध किया, तो इस बात पर नाराज होते हुए बड़े भाई ने छोटे भाई और उसकी पत्नी पर ही तेजाब डाल दिया, जिस कारण इस हमले में छोटे भाई और उसकी पत्नी सहित खुद आरोपी भी झुलस गया, जिसके बाद घर के अन्य परिजनों ने सभी को अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ छोटे भाई की अस्पताल में मौत हो गई, जबकि आरोपी और मृतक भाई की पत्नी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मेड़ता में शरद पूर्णिमा के अवसर पर मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज द्वारा महाराज अजमेर की जयंती मनाई गई। इस समारोह में स्वर्णकार समाज के सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं इस मौके पर एक शोभा यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से निकाली गई। तो शोभा यात्रा के दौरान कई जगह पर अनेक समाज सेवियों ने जलपान की व्यवस्था भी की थी। गिडी में चल रहे पथ निर्माण के कार्य में घोर अनियमितता बरती जा रही है, जिसके चलते गोकुल कृष्णा कंस्ट्रक्शन के द्वारा हो रहे इस कार्य में मापदंडों की खुलकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वहीं लापरवाही के चलते मुख्य पथ में बड़े बड़े गड्ढे कर छोड़ दिए गए हैं, जो लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। वहीं कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा यह कार्य स्थानीय ठेकेदारों से करवाए जाने के कारण कार्य की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है। कोडरमा के एक इंटर कॉलेज में शिक्षक एवं शिक्षकोत्तर कर्मियों द्वारा पूर्ण रूप से कॉलेज के मुख्य गेट में तालाबंदी की गई, साथ ही कॉलेज के मुख्य गेट पर बैठकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत भी की गई। वहीं इन कर्मियों का कहना है कि पिछले वर्ष का मानदेय कॉलेज के खाते में आने के बाद भी अब तक वितरित नहीं हुआ है, जिसके फलस्वरूप ही यह हड़ताल की जा रही है। बवासीर का पक्का इलाज खूनी हो या बादी, एक ही टीके में गारंटी के साथ जड़ से खत्म। बवासीर का इलाज अब बिना ऑपरेशन सफलतापूर्वक इंजेक्शन द्वारा कराया जाता है। डॉक्टर AM त्यागी, संपर्क करें 9758415216 9412803030। MSC क्लिनिक, कमालपुर रोड, गोकलपुर गर्ल रोड, मेरठ।